में परफेक्ट हैं जहाँ पे आपको किससे क्या बात करनी है एकदम मस्त रहते हैं। देख रहा था फिर एकदम देखा अरे तुझे क्या लगा था कि देखा तो भाई साहब फैला हुआ है उधर शाम को नहीं खाया इसने खाना। तो दीपक चार मैं आपसे ना कुछ ये एक एक वर्ड बोलूंगा फिर आपका जो टीममेट चाहे वो इंडिया का टीममेट हो या चेन्नई सुपर किंग्स का टीममेट हो या राजस्थान टीम का टीममेट हो जो सा भी टीममेट आपके जहन में आता है कि यार इस वाले शब्द के साथ ना दिस गाय आइडेंटिफाइज द मोस्ट तो आप बताना। परफेक्शनिस्ट माय भाई परफेक्शनिस्ट है कैसे मतलब वो लगता तो यार मेरे साथ तो एक्चुअली हम दोनों ना कुछ 45 दिन हमने रूम शेयर किया था तब तो मुझे नहीं लगा कि इतना परफेक्शनिस्ट ऐसे सामान उधर पड़ा रहता था फोन ऐसे ही पड़े रहते थे मतलब मैं अभी मिला हूं आप पहले मैं थे हां वही अभी मतलब मैं मेरी सरप्राइज तो कैसे मतलब एमएस कैसे परफेक्शनिस्ट मतलब आप डिपेंड करता है किस चीज में देखो आप कपड़े पहनने का तरीका और ये सब देखो को मैं उस वे में नहीं बोल रहा अच्छा नहीं कैसे भी हां वो उस चीज में परफेक्ट है जहां पे आपको किससे क्या बात करनी है ओके किससे कैसे काम निकलवाना है एज अ कैप्टन किस प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवानी है उसके लिमिटेशंस में उसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाना उस चीज को लेके मैं बोल रहा हूँ कि वो परफेक्शन है वो बहुत तो एक्चुअली क्या एमएस का यही है कि मतलब कितना बोलना है कब बोलना है किससे बोलना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फालतू कितना बोलते रहो कौन इधर से पब्लिक इधर सुनती है इधर निकाल देती है बट ऐसा ही होना चाहिए कि भाई जो एक शब्द बोले तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए आदमी को तो वो उनमें से कि वो जब आपको आगे बोलेंगे तो वो ऐसी चीज़ बोलेंगे कि भाई वो आपके काम करेगी और आप खुद भी करोगे वो चीज़ वो बोलते हैं तो आपको हर जगह आगे इनपुट नहीं देंगे वो इतना बोलते नहीं है कि भाई ये कर वो कर उनके वो बॉलर है तो वो बहुत या इस लेवल पे खेल रहा है तुझे पता है क्या करना है क्या करना है तो अपने हिसाब से प्लान बनाओ जो भी करना है उनसे बात करो बट वो जहाँ इंपॉर्टेंट इनपुट देना होगा वो ऐसे आगे देते हैं। कौन बातें सबसे ज़्यादा करता है बिसाइड्स यू राइट वे बहुत बातें करते हैं अच्छा चीकू बातें करता है हाँ राइट वे बातें करता है अगर वो अच्छे मूड में हो तो विराट भाई सबसे ज्यादा मेरे विराट भाई से मेरी बात होती है अच्छा जब इंडियन टीम में जाता हूँ तो सबसे ज्यादा बात ही विराट भाई से होती है वो भी बहुत मस्ती वाली बातें करते हैं ज्यादा क्रिकेट में नहीं घुसते कि भाई मतलब ठीक है आप उनसे बात करो क्रिकेट तो क्या बोलते हैं कौन सा तेरे को गाना सुना तूने वो नया वाला वो जो है पंजाबी वाला हां वैसे ही मतलब वो जो है सिंगर है ना वो उसने क्या उसने वो क्या वो हंसी मजाक वो एटमॉस्फेयर बहुत बहुत लाइट रखते हैं राइट तो मैच चल रहा था अभी राहुल खेला था उस मैच में राहुल और मैं दोनों ही खेल रहे थे तो हाँ वेस्ट इंडीज़ में राहुल ने कुछ बॉल डाली तो विराट भी एकदम फील्डिंग करते हैं एकदम मस्त रहते हैं डांस करते रहते हैं वो देखा होगा आपने वो ऐसे करके तो करते रहते हैं वो एंजॉय करते हैं वो जो वो अपनी क्रिकेट बहुत एंजॉय करते हो तो उनको देख के आप कुछ बहुत कुछ सीख सकते हो उस लेवल पे पूरा 100% दे के आपको कैसे देने के बाद आप एंजॉय करके दे सकते हो आप अगर मैच में नहीं हो बोर हो रहे हो तो ऑब्वियसली नहीं दे सकते आप पूरा मैच के अंदर हो एंजॉय करो तो वो सीखने वाली बात है उनसे तो वैसे हंसी मजाक चलता रहता है उनके ऐसे विकेट विकेट था तो ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं तो राहुल आया तो राहुल कुछ बोल रहे थे हाथ वाथ रख के ऐसे करके फिर बोलते उसको तुझे क्या लगता है यहाँ बहुत सीरियस कप्तान मिलेगा तुझे इंडियन टीम में राहुल चेहर के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली होगी वो चुपचाप खड़ा हुआ वो हंस रहा था करके वो एक्चुअली देख रहा था उनको तो कुछ ऐसे डांस वांस कर रहे थे कुछ बोल रहे थे तो ऐसे देख रहा था फिर एकदम उसको देखा अरे तुझे क्या लगा था कि वो सीरियस कप्तान मिलेगा तेरे को। मैसीएस्ट कौन है जो पूछता मैसीएस्ट ब्रावो बहुत ज्यादा सामान भी कहीं पे फेंका रूम में चले जाओ उनके भाई साहब के एक दिन चला गया था मैं जल्दी से कुछ काम पड़ गया देखा तो भाई साहब फैला हुआ है कई लोग लगे हुए पैकिंग कर रहे हाँ पैक हम लोग जा रहे थे नेक्स्ट जगह मैच खेलने और पैकिंग कर रही थी वही रात के 1-2 बज रहे थे आईपीएल में बज जाते हैं क्योंकि मैच से लेट आते हैं तो गया तो सामान लगा था कि वो कहीं उस पर आया मैं भिंडी बाजार में इधर फैला हुआ उधर पैको और पैक करना था तो उसने 3-4 बंदे लगा रखे थे उठा उठक पता नहीं कौन सा किधर पटक कहाँ पटक रहा मैंने कहा भाई क्लास ट्वेन ब्रावो ही कर सकते हैं चैंपियन ही इज अ चैंपियन। खाना फूडी हू इज द फूडी रहना भैया रहना को खाना पसंद है मैं माय वे बोलता हूँ उनके बारे में देख उनके इसको खाना इतना पसंद है ना तू किसी भी रेस्टोरेंट का नाम ले दे आज अगर शाम को नहीं खाया इसने खाना तो भाई जाना ना मेहनत भी बहुत करता है तो इसलिए खा सकता है ओके वो बहुत अच्छा खाता है मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब वो बहुत ध्यान रखते हैं सामान है हाँ वो सब खाते हैं। सेल्फी किंग कौन सा है हमारी मेरे साथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया करण शर्मा जी हैं करण शर्मा जी हाँ लेग स्पिनर हाँ उनके साथ कहीं भी जाओ तो कहीं भाई सेल्फी डाल सेल्फी पोस्ट फटाफट स्टोरी डाल दी मैंने कहा यार भैया को अब चलो आप मैंने डाल दी एक दिन ठीक है
कल फिर हम मेरे साथ ज़्यादा खाना खाने बाहर वही जाते थे आईपीएल में, अब कल भी फिर डालते कि एक और डाल, फिर कह रहे डाल, मैंने कहा भैया आप ही के साथ डालता रहूँगा कि स्टोरी डेली सुबह शाम पब्लिक क्या समझेगी, रुको यार थोड़ा सा, हाँ मैंने कहा थोड़ी देर रुको थोड़ा टाइम दो फिर डालेंगे उसके बाद, अभी मैं मिला उनसे कुछ दिन पहले यहाँ, हाँ यहाँ मुझे पता था बोलने वाले, तब खाना वाना खा लिया, वो वेट कर रहे, जैसे खड़े हो ना भाई बहुत दिन सेल्फी डाल, सेल्फी डाल, मैं रेडी मेरा कैमरा करण शर्मा जी।